खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत पुलिस ने 17 घंटे में खाकी को कत्ल करने वाले आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। आधा दर्जन आरोपियों ने शराब पीने से रोकने पर दोनों पुलिसकर्मियों की बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या की थी। आपको बता दें कि सोनीपत में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधियों ने खाकी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घटना के करीब 17 घंटे बाद ही सोनीपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि उसके एक अन्य साथी को जिंदा पकड़ लिया। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद जो अभी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश पर गोली चला दी और मुख्य आरोपी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी संदीप जिंदा पकड़ा गया। जींद जिले के निवासी आरोपियों ने घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को शराब पीने से रोका था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी संदीप को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। बताया जा रहा है कि घटना में महिला समेत आधा दर्जन व अन्य आरोपी भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 8 टीमों का गठन किया गया है। सोनीपत के बुटाना चौकी में तैनात सिपाही रविंदर और एसपीओ कप्तान द्वारा तेज धार हथियार से हत्या के किए जाने के मामले में पुलिस ने महज 17 घंटे में ही बदमाशों को दबोच लिया है। सोनीपत पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अमित और उसके एक साथी की गुप्त सूचना के बाद जींद में एक मकान में रेड डाली गई, जहां पर दोनों बदमाश मौजूद थे। आपसे मुठभेड़ में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी अमित को पुलिस की गोलियां लगने से मौत हो गई, जबकि उसका साथी संदीप को पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया। मुठभेड़ में घायल अमित को अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाशों पर कई मामले पहले भी दर्ज हैं। इन्होंने पुलिस कर्मियों का कत्ल सिर्फ इस बात के लिए किया क्योंकि यह बुटाना क्षेत्र में सड़क पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। गश्त पर निकले सिपाही कप्तान और रविंदर ने रोका तो उन्होंने साथियों समेत मिलकर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। बदमाशों ने हमलावरों को पकड़ने गई टीमों पर भी हमला किया। साइबर टीम ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। मंगलवार शाम करीब 7 बजे सोनीपत सीआईए ने जींद पुलिस की सहायता से उस मकान का पता लगा लिया जहां अपराधी छिपे हुए थे। इस पर जब पुलिस ने दबिश दी तो मकान में छिपे 4 अपराधियों ने चाकुओं से पुलिस पर हमला कर दिया और फरार होने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने फायरिंग करते हुए बदमाशों को दबोचने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के मुताबिक एक बदमाश की मौत हो गई है और एक गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार हैं। सूत्रों के अनुसार 2 बदमाशों को काबू किया गया है, जबकि 1 फरार है। इस दौरान सोनीपत साइबर सेल के निरीक्षक प्रशांत और सोनीपत सीआईए के निरीक्षक अनिल आदि घायल हो गए, जिनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी संदीप को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि घटना में शामिल अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बदमाशों के साथ एक महिला भी मौजूद थी। पुलिस जब आरोपी को रिमांड पर लेकर मामले की गहनता से जांच की जाएगी। K9 मीडिया के लिए सोनीपत से राजेंद्र कुमार के साथ विकास ओहल्यान की ब्यूरो रिपोर्ट। अपने मुलाजिमों को इन पेयर्स असला बिल्कुल देते भी हैं, और ख़ास तौर पे जो हम पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ हैं या नाका ड्यूटीज़ हैं, तो हम कोशिश भी करते हैं कि अक्सर इनको वेपन्स उपलब्ध करवाए जाएं। तो ख़ास तौर पे इस इंसिडेंट के बाद भी हम एक SOP स्थापित कर रहे हैं, जिसके तहत जब भी कोई भी ड्यूटी, चाहे पेट्रोलिंग ड्यूटी हो या नाकाबंदी ड्यूटी हो, उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि चाहे स्मॉल वेपन या जो राइफल्स हैं, वो हर मुलाजिम के पास पेयर्स के अंदर वहाँ पे उपलब्ध कर रही है। सुनारिया, वो सन ऑफ राजकुमार सुनार, ये अजमेर बस्ती भिवानी रोड जींद का रहने वाला है। इसके द्वारा और इसके दूसरा साथी विकास के द्वारा उसी सर्च के दौरान
हमारी पुलिस टीम के ऊपर अटैक किया गया, जिसके अंदर हमारे इंस्पेक्टर अनिल जो कि CIA 2 के इंचार्ज हैं, जो साइबर सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रशांत, ASI मनदीप और HC राजेश, इस पूरे प्रकरण के अंदर उनको चाकू के साथ उनके ऊपर वार किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के अंदर जो विकास था वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, जबकि जो मेन एक्यूज्ड जिसने हमारे मुलाजमों का की हत्या की थी, जो मेन एक्यूज था जो, वो अमित जवाबी कार्रवाई के अंदर उसको जब उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया और उसने फिर भी पुलिस के ऊपर अटैक किया, उस जवाबी कार्रवाई में उसको गोलियां लगी और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जब उसका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में उसी दौरान उसकी मृत्यु हुई। इसमें जो हमारा मेन एक्यूज था अमित, इसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, इसके ऊपर लगभग अभी हम चेक करवा रहे हैं, अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया इसके ऊपर आधा दर्जन केसेस रजिस्टर्ड हैं। पहले ही ये मूल रूप से जीत का ही रहने वाला है और 2014 से लेकर आज तक ये अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहा है और इसकी जो मेन मेन FIRs हैं 448 नंबर 2014 की, जो कि लड़ाई झगड़े की जींद सिटी पुलिस थाने के अंदर दर्ज है। इसके अलावा सदर जींद के अंदर इसके ऊपर गिरोह बंदी का और 307 का मुकदमा दर्ज है। 2015 के अंदर इसने एक सिटी जींद के अंदर की पिस्टल की चोरी की थी। हर पहलू के ऊपर जांच की जाएगी और मेरा मानना है कि इसमें जैसे पुलिस की जो गश्त थी वो 11 से 4 बजे की उनकी गश्त थी, वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल बखूबी उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और जो ये मतलब कि मैटर है कि किसी राहगीर ने सुबह 5 बजे बताया, उसी के बाद ही पुलिस ने आगे की जो कार्रवाई थी वो अमल में लाई। तो हमारी और क्या होता है कि जनरली हमारी जो PCR एंड राइटर्स हैं उनके एरियाज बटे होते हैं, तो उस एरिया जो ये पर्टिकुलर एरिया था वो राइटर का एरिया था, तो उसी हिसाब से फिर अगर बाकी हर पहलू पे हम जांच करेंगे कोई इस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी तो वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जैसे बाकी एक्यूज भी एक बार अरेस्ट हो जाएंगे तो पूरा क्या इनका प्लान था, क्या इन्होंने यहाँ पे किया आके, तो वो सारी चीजें जो है आपके सामने आ जाएंगी। सर मसलों की जो कॉन्स्टेबल्स और SPOs हैं हमारी HDFC बैंक के साथ हमारी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, और जो भी हमारा मुलाजिम जो ड्यूटी के दौरान जिसकी मृत्यु होती है उसको वो मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं और साथ ही कितना होगा जैसे 30 लाख रुपीस जो है जनरली पुलिस पर्सनल को वो उपलब्ध करवाते हैं कॉन्स्टेबल्स के लिए और बाकी रैंक के लिए, और जो सरकार की जो गैलेंट एक्शन के अंदर जो कोई भी जिसकी जान जाती है अपनी प्राण की जो आपूर्ति देता है उसके लिए भी प्रावधान है बिल्कुल, उसके अंदर भी हम सरकार को इसका केस बनाकर भेजेंगे। जो मेरी नॉलेज है वो 30 लाख रुपीज है और इसके अलावा भी हम क्योंकि हमारे दोनों मुलाजमों ने बिल्कुल बड़े काबिल मतलब मुलाजिम थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी निभाई, तो हम भी अपने पुलिस विभाग की तरफ से भी हम वेलफेयर मीटिंग के अंदर इसको टेकअप करके और अपनी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूटरी इनकी हेल्प करेंगे। वो देखिए वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक्सग्रेशिया पॉलिसी अभी जो गवर्नमेंट ने दोबारा से रीओपन की है उसमें अगर कोई इनका फिट मेंबर उस उनकी पॉलिसी को सेटिस्फाई करता होगा तो डेफिनेटली ये मीन ऊपर उच्च अधिकारियों से टेकअप किया जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 29 और 30 जून की रात को हमारे दो मुलाजिम जो कि राइडर नंबर 41 के ऊपर तैनात थे जिनका नाम कांस्टेबल रविंदर 564 नंबर और SPO कप्तान 213 नंबर, ये 30 जून को सुबह 5:30 बजे
किसी राहगीर की सूचना प्राप्त हुई थी कि इनकी ये मृतक अवस्था के अंदर जींद रोड उटाणा चौकी के क्षेत्र में एक हरियाली पार्क जो उटाणा गांव में पड़ता है वहां पे इनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने मुकदमा बड़ौदा थाने के अंदर 302 का अननोन पर्संस के अगेंस्ट लॉन्च किया था। इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके लिए हमने एक SIT फॉर्म की थी जिसके अंदर की CIA 1, CIA 2, CIA गुहाना और साइबर सेल के टीम्स के साथ ASP सोनीपत की नेतृत्व में ये टीम को बनाया कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें जो टीम द्वारा पूरी मौके का मुआयना किया गया और जो इसमें तफ्तीश की गई, इस दौरान एक वाइटल क्लू टीम के हाथ लगा जिसके तहत जो क्राइम के अंदर गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो आइडेंटिफाई हुई। उस गाड़ी की डिटेल्स जब आगे वर्कआउट की गई तो वो पता लगा कि ये गाड़ी किसी गुरमीत नाम के बंदे की जींद जो कि जींद शहर का रहने वाला है उसके नाम पे पाई गई, जिसने ये गाड़ी आगे एक संदीप नाम के लड़के को बेच रखी थी। इसी दौरान हमारी CIA टीम द्वारा संदीप को डिटेन किया गया, उसको राउंड अप किया गया और उससे पूछताछ के दौरान उसने पूरे के पूरे इस जुर्म को कबूला और उसने पूरी घटनाक्रम बताया और उसी की आगे इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारी पुलिस टीम द्वारा काम किया गया जिसके तहत बाकी आरोपियों की पहचान हुई और वहाँ पे जो संदीप का घर था वहाँ पे सर्चिंग करवाई गई। इसी सर्च के दौरान जो दूसरे आरोपी थे जो कि जिनका नाम अमित और विकास है